वॉरेन बफेट कहते हैं कि यह है उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक, और वो मिस्टेक है 1965 में बर्कशायर हैथवे के शेयर्स खरीदना। अब आप कहेंगे कि जिस बर्कशायर हैथवे के शेयर्स उन्होंने 1965 में 100 रुपीज पर शेयर की प्राइस में खरीदे हैं, जिसकी प्राइस है 3.5 करोड़ रुपए है, वो एक खराब इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं कि बर्कशायर हैथवे तब एक फेलिंग टेक्सटाइल कंपनी थी। बर्कशायर हैथवे तब अपने कुछ टेक्सटाइल मिल्स को बेचकर उन पैसों से अपने शेयर होल्डर से वापस खरीद रही थी। वॉरेन बफेट को लगा कि मैं अब शेयर्स खरीद लेता हूं, कुछ टाइम बाद अगेन जब कंपनी शेयर वापस खरीद लेगी तो शायद मुझे बेटर प्राइस मिलेगी। यही देखकर उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू किया। लेकिन एक बार ऐसे ही प्रोसेस में कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि हम आपके शेयर्स $11.50 की प्राइस पर खरीद लेंगे। लेकिन जब उन्होंने एक लेटर भेजा तो उसमें वो प्राइस $11.375 थी। वॉरेन बफेट को लगा कि उन्हें चीट किया गया है, और इसलिए गुस्से में उन्होंने कंपनी के मेजोरिटी शेयर्स खरीद लिए और उस मैनेजमेंट को हटा दिया। अब हालांकि वो मानते हैं कि ये डिसीजन एक इमोशनल डिसीजन थी, अगर यही पैसा किसी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता तो वो पैसा आज डबल होता। यानी वो मानते हैं कि आज ये मिस्टेक उनके लिए 14 लाख करोड़ की मिस्टेक है। ऐसे इन्वेस्टमेंट की गलतियों से सीखने के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब करें।